नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम ऐसी चीज़ दिखाने वाले हैं जो कि हमारे ख्याल से हमारे कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहली बार जो है आर्यन ट्रैक्टर्स पे आई हुई है, जिसको हम लोग पोटैटो मिनी कम्पाइन है ये। इसके बारे में अभी आप लोगों को जानकारी देंगे। ये आप लोग देख रहे होंगे ना, इसको डिगर मतलब जो आता ना आलू की जो हार्वेस्टिंग करने वाली मशीन होती है वो ये मशीन है। आप लोग सोच रहे हो ये क्या है, ये बिल्कुल न्यू मशीन है। इसके क्या क्या फ्यूचर है, ये कैसे काम करती है, वो सारी डिटेल अभी आप लोगों को मैं जो है इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कि ये जो है डिगर कैसे काम करेगा, आलू की कैसे खुदाई करेगा। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोगों को ना लेबर की जो झंझट होती है वो नहीं करनी पड़ेगी, और इसके बारे में भी जो है यहाँ पे भैया बताएंगे कि क्या है, और यहाँ के जो ओनर है उनसे भी आप लोगों की बातचीत कराएंगे और जानकारी लेंगे कि ये मशीन जो है किस तरीके से काम करेगी। सबसे पहले तो आपको मैं दिखा दूंगी, इसमें जो है दो मिनी टायर लगे हुए हैं और आगे दो पैर हैं इसके और दो मिनी टायर इधर लगे हुए हैं। यहाँ से ये जो है फंस जाती है ट्रैक्टर में, और इसमें ये देख पा रहे हो इसको, और इसमें देखो ये प्रेशर वाला सिस्टम दिया गया है, और इसकी खुरपी यहाँ से आलू जो है स्टार्ट होता है गोदना, और इस तरीके से देख पा रहे हो आप लोग जो है यहाँ से इसमें जाता है। जिस तरीके से आलू यहाँ पे पड़ा भी है ये आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसका ट्रायल हुआ था क्योंकि ये नई मशीन आई थी, इसका ट्रायल के लिए मशीन गई थी। यहाँ से आलू आएंगे और इस पे जाएंगे और इस पे, और ये गोल गोल सा जो चक्कर आप देख रहे हो, ये देखो ये जो गोल गोल सा आप लोगों को चक्कर दिखाई दे रहा है ना, इस चक्कर में आलू यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर आएंगे और यहाँ पे गिरेंगे। यहाँ पे गिरने के बाद कहाँ जाते हैं ये देख रहे हो, सीधा यहाँ से जाएंगे और इसमें आएंगे। ये रहा आलू का स्टॉक मतलब टैंक, इसमें जो इस टैंक में आलू इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे गिरेंगे, ठीक है। उसके बाद में जब ये टैंक भर जाता है तब हम लोग कहाँ पे, ये देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ से इसको खोल के और मशीन एक जगह ले जाके इकट्ठा ढेर लगा सकते हैं। मतलब मेरे बात ये समझ में आई है कि जो आलू बीनने का झंझट आता था ना उसके लिए लेबर ढूंढनी पड़ती थी, शायद अब वो झंझट ना करनी पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल में जो है ये देख पा रहे हो टैंक है और इसमें आलू आएगी, तो इसमें कोई लेबर वगैरह लगने का झंझट बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल नया मशीन है। कन्नौज ज़िले में मैं पहली बार इसको देख रहा हूँ, और आप लोगों को इसके बारे में अधिक जानकारी जो चाहिए है तो आप लोगों को जो डिस्प्ले पे मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है इस पर संपर्क करके आप लोग जो है इसकी अधिक जानकारी इनके ओनर से ले सकते हैं, आर्यन ट्रैक्टर से। और इनका लोकेशन के बारे में आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ, अगर आप जो है दिल्ली बेवर की तरफ से आते हैं तो फरकाबाद चौराहे पे आएंगे, फरकाबाद चौराहे पे आर्यन ट्रैक्टर, और आप अगर कानपुर की तरफ से आते हैं तो भी आपको फरकाबाद चौराहे के पास आना है, फरकाबाद चौराहे पर ही ये दुकान है। तो अभी जो है इसके ओनर हैं उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं और इस मशीन के बारे में, इस मशीन के फ्यूचर के बारे में जानते हैं, कैसे क्या ये काम करने वाली है और इसकी क्या कीमत होने वाली है। तो अभी हमारे साथ जो है यहाँ के ओनर है। भैया स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सबसे पहले साहब आपका परिचय और एड्रेस जानना चाहता हूँ। मैं आर्यन ट्रैक्टर का ओनर हूँ, मनोज कुमार मेरा नाम है। अभी साहब ये आपका लोकेशन क्या है? फरकाबाद चौराहा छिबरामऊ, फरकाबाद चौराहा छिबरामऊ कन्नौज। साहब ये अभी मैंने मशीन दिखाई है अपने दर्शकों को, क्या है इसके बारे में थोड़ा जानना है। ये फुली ऑटोमेटिक पोटैटो डिग्गर है जिसमें आलू को इकट्ठा करेगा और ये 6 पैकेट इकट्ठा करके एक जगह ढेर लगाएगी। 6 पैकेट एक बार में 6 पैकेट, तो 6 पैकेट जो है जैसे भर जाएगा वो टैंक जब, आपको हम तो बताते जाइएगा आप मुझे थोड़ा। यहाँ पे लिंक होगा ट्रैक्टर जी, यहाँ से इसका डिस्ट्रीब्यूटर है जी, यहाँ पे एक लाइन लेके चलेगा, ये एक लाइन मतलब एक कुड़ी लेके चलता है ये देखो, और यहाँ पे एक कुड़ फूटता हुआ चला जाएगा और ये आलू यहाँ से प्रोसेस होते हुए जी इधर आएगा
और यहाँ पे आके ये क्या है, ये किस लिए? ये आलू को सफाई करने के लिए। अच्छा अच्छा, आलू में मट्टी और गंदगी लगी, उसको सफाई करने के लिए। जी, यहाँ पे आने के बाद गिरेगा जी, और ये रोटेट होगा पूरा, पूरा का पूरा आलू मतलब घूम जाएगा, घूम के आलू को यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आलू गिरेगा, जाने के बाद आलू जाएगा इस टैंक में आएगा। ये 6 पैकेट के करीब इसकी कैपेसिटी है। हाँ, ये आप इसको हटाएंगे और ये पूरा, एक काम और है ना, ये खुल जाएगा, हम समझ गए बात को, और यहाँ से आप ढेर ना लगा के सीधा पैकेट में भर लो। पैकेट में भरेगा? अच्छा, पैकेट में नहीं भर पाएगा, ढेर लगेगा। एक मतलब ये एक कुड़ी को लेके चलने वाली मशीन है, और एक बार में ये आपकी 6 पैकेट आलू खुदाई कर देगा, और उसके बाद आप ले जाके फिर इसको एक बार इस टैंक को खाली कर दें, और फिर तो इसका जैसे क्या कैसा रहता है स्कीम, कुछ छूट वगैरह किसानों के लिए क्या ऑफर है धनतेरस पे? कुछ नहीं है अभी तो, ये डेमो होने के लिए मशीन आई हुई है जी, और ये डेमो होने के बाद, कल डेमो किया था इस पे जी, आलू आपको दिखा हुआ इस पे पड़ा हुआ जी, कल डेमो किया था, कुछ इसमें कमियां हैं वो भी दूर होगी, और इसके बाद ये इसका नाम क्या है? ये फुली ऑटोमेटिक पोटैटो डिगर। फुल्ली ऑटोमेटिक लिए, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई मतलब झंझट नहीं है। क्या होता था, जो मशीन आती थी डिग्गर जो पहले वाले आते थे उनमें आलू जो है पीछे गिर पड़ता था, और अब जो है आप लोगों को पीछे वाला झंझट खत्म होगा, सीधा का सीधा टैंक में जाएगा, टैंक से सीधा आप ढेर लगा सकते हैं, और इससे आपके समय की बचत और पैसे की भी बचत है ना, समय को भी मतलब आप बचा सकते हैं और पैसा भी। आप ऐसा जो आलू जो दोपहर में आलू जो खराब हो जाता था वो अब इससे धूप नहीं लगेगी, डायरेक्ट सीधा टैंक माने के बाद ढेर पे पहुंच जाएगा, मतलब धूप नहीं लगेगी, सीधा टैंक में जा डंप भी लगाओ जाके अपने डंप पे सीधा और आराम से। तो ये जैसे कि मशीन ऑर्डर वगैरह लगेगी या मिल जाएगी किसानों, किसी को चाहिए? दिसंबर से बुकिंग चालू होगी। अच्छा अच्छा, दिसंबर से इसकी बुकिंग वगैरह चालू होगी, जिसको भी बुकिंग करनी है ना, तो आपको जो डिस्प्ले पे मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है फटाक से आप लोग इस नंबर पे संपर्क करके अपनी बुकिंग भी लिखवा सकते हैं, अदरवाइज इस दुकान पे आके आप सीधा मतलब आके इसके बारे में, इसके फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं कि ये कैसे मशीन काम करेगी और क्या है ये। तो ये आप लोग देख पा रहे हो, ये बिल्कुल अच्छा। ये बताइए, अपने यहाँ ये पहली बार आई है? अभी पहली बार, ये यूपी में ही पहली बार आई है। यूपी में पहली बार जी। छिबराऊ में और कहीं तो मिलेगी नहीं, पूरी पूरी इंडिया में नहीं है, पहली बार बन के। अच्छा अच्छा, पहली बार भैया आई है ये मशीन, तो अभी नया है, और जो है आप जो है इसके प्राइस के बारे में, 2 साल से भी ट्रायल ही चला रहे हैं ना, इस बार प्रोडक्शन में ले रहे हैं इसको, 2 साल से इसका ट्रायल चल रहा है, प्रोडक्शन आई है इस साल, मतलब ये जो है पहली बार मतलब आई है, तो इसका यूज किया जाएगा। और अदरवाइज इनके यहाँ पे और भी जो है पार्ट्स हैं, एक मशीन ये सामने रखी यही वाली है, मतलब जो मशीन ये है भाई ये वाली है, देखो तो अभी इसका देखो मैन्युफैक्चर ये खुल रहा है, और ये हर तरीके से मतलब सेट करके आप लोगों को दी जाएगी, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी, और आप अगर लेके जाते हैं आपको चलाने में दिक्कत आ रही है तो आप लोग इनसे संपर्क करके सीधा इनसे बातचीत करके ले सकते हो।